नमस्कार सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का स्वागत है हमारे चैनल डीके टेक्निकल ज्ञान में। तो आज के इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको अप्लाई करने के बारे में जानेंगे। जैसे कि इस PMMVY योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं उनसे आंगनबाड़ी सेविकाएं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके इस फॉर्म को अपलोड करेंगी, क्या क्या जो महत्वपूर्ण जानकारी इसमें भरी जाती है, उससे संबंधित आज की ये वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए फॉर्म अप्लाई कैसे करना है इसकी जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का ऑनलाइन पोर्टल है वो यहाँ पे खुल चुका है। आपको कैसे ओपन करना है मैं यहाँ से पहले बैक कर लेता हूँ, ठीक है। आपको करना क्या है कि कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है PMMVYNIC.in, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे लिख के सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप लोग इस वेबसाइट को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा PMMVY.NIC.in। तो यही जो वेबसाइट है इसी वेबसाइट से आप लोगों का ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो फॉर्म है वो अप्लाई होगा। तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे और भी जो वेबसाइट है वो खुल के आते हैं, तो आपको किसी भी वेबसाइट पे नहीं जाना है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक लोगो भी दिया गया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का, तो इसी लोगो पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका एक पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। पेज खुल के आने के बाद यहाँ पे आप लोग ग्रीन पट्टी में देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन दिखा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आंगनबाड़ी सेविका यहाँ पे लॉगिन करेंगी उनको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल गया होगा, तो आप यहाँ से उसको लॉगिन कर लेंगी। अगर आपको यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिला है तो आप अपने ऑफिस से संपर्क कीजिएगा। LS या CDPO मैम आपको जो यूज़र आईडी पासवर्ड है वो आपको प्रोवाइड करा देंगी। उसके बाद आप लोग यहाँ से फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो पेज है वो खुल के आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको अपना जीमेल आईडी यानी कि जो आपका आईडी बना रहेगा वो और यहाँ पे पासवर्ड जो आपको दिया जाएगा वो सही सही फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से कैप्चा कोड रहेगा उसको आप लोग यहाँ पे दर्ज कर दीजिएगा। यहाँ पे रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चा भी मंगा सकते हैं, आपको समझ में नहीं आता है तो ये बार बार खोलेंगे तो ये अलग अलग कैप्चा आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम पहले लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से एक और नया पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा PMMVY डैशबोर्ड में आपका स्वागत है, यानी कि आप उस डैशबोर्ड पे पहुँच चुके हैं जहाँ से आपको फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे कि आपको जो फॉर्म है वो किस लैंग्वेज में भरना है, हिंदी में भरना है या इंग्लिश में भरना है। दोनों लैंग्वेज यहाँ पर उपलब्ध है, आपको जो लैंग्वेज समझ में आती है उसी लैंग्वेज में आप लोग यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम फिलहाल के लिए यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हिंदी सिलेक्ट करने के बाद आपको आगे क्या करना है, आपको करना क्या है, यहाँ पे जो 3 डॉट आप लोग देख रहे हैं 3 लाइन, इस 3 लाइन पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डाटा एंट्री का एक ऑप्शन मिल जाएगा 2nd नंबर ऑप्शन में, तो आपको इस डाटा एंट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उसके नीचे यहाँ पे देख सकते हैं बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन, तो हमें क्या करना है, जो लाभार्थी है उसका रजिस्ट्रेशन करना है, तो हमें बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से एक नया पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें कि लाभार्थी का पंजीकरण करना है। तो उसमें कुछ व्यक्तिगत प्रोफाइल है, तो आइए जानते हैं किस प्रकार से इसमें पूरी डिटेल्स भरनी है जो लाभार्थी है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, क्या लाभार्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या PSU का कर्मचारी है। तो आपको यहाँ पर नहीं पे ही सिलेक्ट रहने देना है, फिर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पूछ रहा है आवेदन के लिए, यानी कि आप किसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पहले बच्चे के लिए कर रहे हैं या दूसरी बार जो लड़की हुई है उसके लिए कर रहे हैं। अगर पहले बच्चे के लिए कर रहे हैं तो उसमें लड़का हो या लड़की हो उसका आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि दूसरी बार अगर उसी महिला को लड़की होती है तो उस लड़की के लिए आप लोग फिर से यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये लड़कियों के लिए रखा गया है, लड़का होगा तो आपको उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए हम यहाँ पे पहले बच्चे के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे पहले बच्चा वाला पे सिलेक्ट रहने देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जीवित बच्चों की संख्या। जैसे कि हम लोग पहली बार उस प्रेग्नेंट वुमेन का जो है कि रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो हमें इस कंडीशन में क्या रखना है, यहाँ पर बच्चों की जो संख्या है वो 0 रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्या लाभार्थी के पास आधार कार्ड है। तो आजकल सभी लाभार्थियों के पास आधार कार्ड अवेलेबल रहता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, हाँ पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नाम पूछ रहा है,
तो नाम में आपको क्या रखना है, जैसे कि आधार पे जिस प्रकार से नाम लिखा गया है उसी प्रकार से आपको यहाँ पे उस लाभार्थी का नाम ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ हाईलाइट किया गया है जो कि आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर्म भरते समय आधार में नाम और खाता धारक का नाम समान होना चाहिए, यानी कि जिस महिला का आप आवेदन कर रहे हैं उसके आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम उस महिला के बैंक अकाउंट में होना चाहिए, तभी जो उसका पैसा है वो उसके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर कहीं पर भी नाम में मिसमैच होता है तो उसको पैसा लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे आधार संख्या डाल देनी है, उस लाभार्थी का जन्म की तारीख डाल देनी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे जैसे ही जन्म की तारीख डालेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम एक समझाने के लिए यहाँ पे कोई एक जन्म की तारीख डाल देते हैं, तो यहाँ पे जो जन्म की तारीख आप डालेंगे तो यहाँ पे जो वर्ष है आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ जाएगा, आपको यहाँ पे वर्ष डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे श्रेणी पूछ रहा है कि वो लाभार्थी किस श्रेणी से आती है, तो यहाँ पे आपको श्रेणी सिलेक्ट करना है यानी कि कैटेगरी। तो यहाँ पे तीन कैटेगरी है, अदर्स, एससी और एसटी। तो जो भी कैटेगरी है आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, अगर एससी है तो एससी सिलेक्ट करेंगे और एसटी है तो एसटी सिलेक्ट करेंगे, बाकी जितने भी कैटेगरी है उसमें आप यहाँ पे अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है मोबाइल नंबर, तो जो भी बेनिफिशियरी है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लोग डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दस्तावेज का प्रकार, यहाँ पे मेन समस्या आ जाती है आंगनबाड़ी सेविकाओं को कि हम यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविकाएं कौन सा दस्तावेज लाभार्थी से लेके ऐड करेंगी, अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि दस्तावेज के प्रकार पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोटल 8 डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया गया है, इन 8ों में से कोई एक डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे अपलोड करना है कि जिस भी लाभार्थी का आप आवेदन कर रहे हैं उसकी जो इनकम है वो 8 लाख से कम है एनुअल इनकम, तो आप उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है यहाँ पर वुमेन होल्डिंग मनरेगा कार्ड, यानी कि अगर उस लाभार्थी का मनरेगा कार्ड बना हुआ है तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यानी उसको अपलोड कर सकते हैं। तीसरा है वुमेन फार्मर्स हु आर बेनिफिशरी अंडर किसान सम्मान निधि योजना, अगर वो प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना की लाभ ले रही है तो उसका भी आप लोग यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ जाता है वुमेन होल्डिंग ई श्रम कार्ड, अगर उस लाभार्थी का ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो आप इसका जो डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बेसिकली ई श्रम कार्ड सभी महिलाओं का बना हुआ है तो उस महिला से ई श्रम कार्ड लेके उसी डॉक्यूमेंट को आप लोग अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेनिफिशरी अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो PMJAY का जो आयुष्मान भारत कार्ड बनाया गया है उसका भी डॉक्यूमेंट आप लोग यहां पे लगा सकते हैं। उसके बाद आगे है वुमेन होल्डर ऑफ BPL राशन कार्ड, अगर उस महिला के पास राशन कार्ड भी है तो उसका भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला जो डॉक्यूमेंट है, अगर वो महिला दिव्यांगजन है, 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है उस महिला को, तो उसका सर्टिफिकेट आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर का, वो डॉक्यूमेंट आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो 8 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं 8 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट को आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम बैक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम ई श्रम कार्ड को सिलेक्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पहचान संख्या डालना है, जैसे कि जिस प्रकार से आधार संख्या होता है तो ई श्रम कार्ड में भी उसी प्रकार से एक नंबर दिया जाता है, उसी नंबर को आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो ई श्रम कार्ड है उसका यहाँ पे आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ जाएगा, यानी कि आप उसी समय इमेज को कैप्चर कर सकते हैं या फिर अगर आप उस डॉक्यूमेंट को पहले से खींच के रखे हैं अपने मोबाइल में तो उसको भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है महत्वपूर्ण जो विवरण भरनी है, वो NCP कार्ड के अनुसार जिस भी लाभार्थी का हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसको एक MCP कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है, उसी के अनुसार यहाँ पे उसका विवरण डालना है। सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है MCTS या RCH जो ID उस MCP कार्ड पे होता है उसको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद MCP कार्ड की जो पंजीकरण तिथि है तो उस पंजीकरण तिथि को आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद नेक्स्ट अंतिम माहवारी यानी LMP की तारीख डालनी है कि उस महिला का जो LMP की तारीख है वो क्या है, वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे प्रसव पूर्व जांच की तारीख डालनी है, यानी कि फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसकी जांच उसने कब कराई थी उसका यहाँ पे डेट आपको डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या बच्चा पैदा हुआ है,
यानी कि जिस प्रेग्नेंट वुमेन का आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट बच्चे के लिए कर रहे हैं और फर्स्ट किस्त के लिए कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे नहीं सिलेक्ट रहने देना है। अगर उसी महिला का जो डिलीवरी हो जाता है और दूसरे किस्त के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो उस टाइम आप लोग यहाँ पर हाँ सिलेक्ट करेंगे, या फिर जब दूसरी बार उस महिला को बालिका यानी कि बच्ची पैदा होती है तो उस कंडीशन में आप लोग यहाँ पे हाँ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बच्चे की जन्म की तिथि सिलेक्ट करेंगे, अगर बच्चे का जन्म हो चुका है तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है वर्तमान पता, यानी कि वो लाभार्थी कहाँ से है, ग्रामीण से है या शहरी से है। तो रूरल अर्बन आपको यहाँ पे इंग्लिश में देखने को मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पे उसको ग्रामीण शहरी जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस आप लोग यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे उस लाभार्थी का गांव सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमारा पहले से दिखा रहा है क्योंकि हमने सेविका के आईडी से यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, तो इस प्रकार से हमारा सारा डिटेल्स भरा हुआ दिखा रहा है। तो इस प्रकार से पूरा डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो नीचे में आपको एक चीज़ मिसिंग दिखेगी, वो बैंक का डिटेल्स है। जैसे कि पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था तो काफ़ी सारी बहनों का कमेंट आया था, जो बैंक का डिटेल्स है वो हमारे PMMVY का जो डैशबोर्ड है वहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो कैसे हम लोग फॉर्म को अपलोड करेंगे। तो फिलहाल अभी जो सर्वर में टेक्निकल इशू के कारण इस प्रकार से अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी बहुत से आंगनबाड़ी सेविकाओं को आईडी पासवर्ड भी नहीं मिला है, और जिनको मिला भी है तो उनको अभी विभाग की ओर से बोला जा रहा है कि अभी आप लोग वेट कीजिए, हमारे तरफ से कोई सूचना आती है तो हम आपको बताएँगे कि कब से आपको फॉर्म को अपलोड करना है। तो अभी आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगर विभाग से आदेश आ जाता है फॉर्म को अपलोड करने का तो उस समय हो सकता है कि जो ये प्रॉब्लम हो आपकी सॉल्व हो जाए। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे जो भी बेनिफिशियरी हैं उनका आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का हमारे साथ यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि इस PMMVY योजना के अंतर्गत कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमारे चैनल DK टेक्निकल ज्ञान से सपोर्ट ले सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।